हो गया स्ट्रीमिंग, अब हम लोग एडमिट कर देते ताकि कोई लोग एग्जिट ना हो। 7 बजे टाइम था हम लोग का। हाँ कर दीजिए प्रभु जी इंटर। ओके हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वेरी 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 स्पेशल गीता जयंती सेलिब्रेशन में। एंड आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ बाय लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है और ये जो चैट में कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सभी कोई इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रेडी है। एंड यस, जो सवाल आ रहे हैं, वेयर इज प्रभु जी? ओके, सो वेयर इज प्रभु जी? जी बिल्कुल, प्रभु जी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे सेशन में। एंड उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि
थोड़ा सा हम एक ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करें, क्यों? क्योंकि आज है मोक्षदा एकादशी एंड आज भी है गीता जयंती फेस्टिवल। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन द्रवित और व्यथित हो गए थे महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन को आज ही भगवद गीता का वो जो संदेश, जो लाखों करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गया था, जो भगवान एक परंपरा सिस्टम में ऑलरेडी दे चुके थे, उसको भगवान ने अर्जुन को दोबारा दिया। एंड आज ही के दिन हम उसको गीता जयंती के रूप से मनाते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आज। सो सबसे पहली जो मेरा सवाल रहेगा आप सभी से, वो रहेगा क्या आप सभी के पास अपनी पर्सनल कॉपी, नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट कॉपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड कॉपी, क्या आप सभी के पास आपकी पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता है? चैट में आप लिख सकते हैं यस, क्योंकि हरि बोल हरे कृष्णा तो सभी विश कर रहे हैं, तो फटाफट आप चैट में यस लिख सकते हैं अगर आपके पास आपकी पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता है। एनीबॉडी? सर धर्मान परित जी, यस यस, ओके, सो यस यस सबके पास है, ओके आई कैन सी। और जिन लोगों का यस नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनके पास भगवद गीता नहीं है, दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द हाई टाइम कि आपको भगवद गीता लेनी चाहिए, क्योंकि 2023 एंडिंग एंड आपके पास भगवद गीता नहीं है अभी तक, क्या कर रहे हैं आप? 2024 से आपको प्रण लेना चाहिए, इनफैक्ट इसी गीता जयंती से प्रण लेना चाहिए कि आप रोज 2 श्लोका पढ़ेंगे। तो भगवद गीता में टोटल कितने श्लोका होते हैं फटाफट बता दीजिए आप चैट में, कम ऑन रिस्पॉन्ड फास्टर फास्टर। भगवद गीता में कितने श्लोका है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, नहीं यस तो है, भगवद गीता में श्लोका कितने हैं? ओके सो अभी सब विश कर रहे हैं एक दूसरे को, बड़ा ही खिंचा हुआ माहौल चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सो भगवद गीता में टोटल 700 श्लोका है और अगर आप रोज 2 श्लोका पढ़ते हैं सो आप भगवद गीता को 1 साल में फिनिश कर सकते हैं। यानी अगर आप इस गीता जयंती स्टार्ट करते हैं रोज 2 श्लोका पढ़ने, तो नेक्स्ट गीता जयंती तक आप भगवद गीता के सारे अध्याय को संपन्न कर चुके होंगे। सो आज उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, भगवान के इस बहुत ही स्पेशल दिन, ऊपर से आज की जो ये मोक्षदा एकादशी के दिन है, इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए आज हम साथ में आए हैं। एंड आज जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बाय नन अदर देन हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। सो उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा इस माहौल को और भक्तिमय बनाएं, और वो कैसे कर सकते हैं? बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। बट भगवान का नाम मैं आपके माप से माला नहीं करवाने वाला, अभी ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने माप से माला करवाऊंगा। वी हैव अ कीर्तन प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू एंड कीर्तन देंगे बाय अवर वेरी ओन हिज ग्रेस भक्ति मार्ग प्रभु जी। एंड प्रभु जी हमारे बीच में है, प्रभु जी को नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, सब यहाँ पे प्रभु जी को जानते हैं, बट जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु जी इज एन एक्सपर्ट कीर्तनिया बाय प्रोफेशन, ही इज इन द टीचिंग लाइन एंड सर्व्स एज अ प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एज अ वेरी सीनियर फैकल्टी इन कॉलेजेस। एंड प्रभु जी एक बहुत ही प्रोफाउंड म्यूजिक एक्सपीरियंस भी रखते हैं अपने साथ एंड पूरे पूरे ओके सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम वी वुड लाइक टू वेलकम प्रभु जी बाय लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे आवाज सभी को पहुंच रहा है, मिल रहा है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है आपको? यस प्रभु जी, थैंक यू। मैं एक भजन गाऊंगा और इसमें कीर्तन भी रहेगा और एक भजन का पार्ट रहेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव
कुंजा बिहारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रजोजन रंजना यमुना तीरा बनचा यशोदानंदना व्रजोजन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जना गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल हरे कृष्णा प्रभुजी, सच अ वंडरफुल एंड मेलोडियस कीर्तन, एंड वी वेर ऑल रिलिशिंग योर कीर्तन टू द डीप, एंड प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे इतने मेलोडियस कीर्तन के लिए बाय लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब है आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज। जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी है, जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। एंड आज हमें इंस्पिरेशन देने वाले हैं बहुत बड़े हस्ती, बट एज में बहुत छोटे। तो आज हमारे बीच में एक इंटरव्यू होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग डिवोटी का, जिन्होंने बहुत छोटी एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया, एंड उन्होंने एक स्पिरिचुअल बार सेट कर दिया है जिसको हम लुकअप करके उनसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं माता जी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली माता जी आप माइक ऑन करें, एंड आप उनका इंटरव्यू लेके सबको बताएं उनकी प्रोफिशिएंसी जो उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ में इतनी कम एज में बनाई है। सो रिक्वेस्टिंग द माता जी टीम टू काइंडली टेक इट फॉरवर्ड। Hare Krishna, dear devotees. A very happy Gita Jayanti to everyone. So now we have with us Manashvi Sharma Mataji. She is a very talented devotee. She has learned all the 700 shlokas of Bhagavad Gita. Also, she has complete. She is doing Bhakti Shastri course, and she has completed level 3 of Bharatanatyam. At this very small age, she has achieved so many things, and the list goes on and on. So we welcome Manashvi Sharma Mataji by loudly chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So, Manashvi Sharma Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Please unmute Manashvi Sharma Mataji. I guess she's on mute. जी हरे कृष्णा, अभी मेरी आवाज स्पष्ट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता जी, आप दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। एट अ वेरी स्मॉल एज यू हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स माता जी, सो प्लीज टेल अस व्हाट इंस्पायर्स यू। माता जी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को बहुत हद तक इंस्पायर किया है। फर्स्ट पॉइंट है, मेरे लाइफ में कुछ मिरेकल्स हुए हैं और वो मिरेकल्स ने मेरे को इंस्पायर किया है कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं। कृष्णा इज विथ मी एंड ही इज हेल्पिंग मी टू लाइक ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो टू इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मैं पहले बताना चाहूंगी। तो उनमें से फर्स्ट है कि जब मैं नर्सरी में थी तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन जो था उसमें मैंने भगवत गीता के 0.7 एंड 8 श्लोकास गाए थे, जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो श्लोक सबसे पहले कॉम्पिटिशन में मैंने गाए थे। सेकेंड जो मेरा मिरेकल हुआ था वो है कि गुरुवायूरप्पन जो एक लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है केरला में, तो उस टेम्पल में बहुत भीड़ होती है क्योंकि अयप्पा वाले जो टेम्पल के लोग थे वो भी आ रहे थे, तो बहुत भीड़ थी। एंड मी एंड माई मदर वर देयर, सो आई वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम, मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो बहुत छोटी थी मैं, 2-3 ईयर्स की। तो तब क्या हुआ कि मैं आई स्टार्टेड टू क्राई क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो प्रीस्ट हर्ड माय क्राई एंड दे आस्क्ड माय मदर टू कम इनसाइड कि आप आइए और आप दर्शन कीजिए। सो जो 4-5 आवर्स में मेरे को दर्शन होता वो मेरे को 4-5 मिनट्स में हो गया। सो ये दो मिरेकल्स बहुत ही मेरे को इंस्पायर करते हैं आज तक भी। और एक और मेरी इंस्पिरेशन है कि मेरे मम्मी के दादाजी हैं तो वो भी बहुत वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे और वो भी बहुत ऐसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे और उनको बहुत ही इन सब चीजों को सीखने की बहुत ललक थी और वो बहुत कुछ उनको आता था।
तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपनी रूट्स को सीखें, क्यों ना हम अपने धर्म के बारे में जानें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी लिखी है स्क्रिप्चर्स में, जो हमें असली में करना चाहिए। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्हें ऊपर जाने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैंने भी सोचा मैं भी सीखूं, तो मैंने भी इन चीजों को स्टार्ट किया। और व्हेन कोरोना हिट तो लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, पर उल्टा हुआ मेरे साथ। मेरे साथ यूट्यूब में मेरे को आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग रील्स, जैसे आजकल सब हम करते, तब आई वाज नॉट टू मच कृष्णा कॉन्शियस काइंड ऑफ अ पर्सन, लिटिल मटेरियलिस्टिक, सो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग रील्स एंड आई जस्ट सॉ दिस इस्कॉन मैंगलुरु लाइक कोर्स। सो मैंने सोचा कि भगवद गीता चलो सीखते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 18 डेज का ही कोर्स था, तो मैंने स्टार्ट किया उस कोर्स को, एंड नाउ there was no looking back, and now I am doing bhakti shastri. I am a teacher, an admin, a co-host service mein de rahi hu, like promotional content creator and much more service mein de rahi hu udhar. To krishna ne mere ko itna inspire kiya, aur hum sabko signs milte hai ki krishna is trying to help us, aur उन साइंस को हमें अगर एक्सप्रेस अगर मैं करना चाहूँ तो इस तरीके के साइंस मेरे को कई बार मिले लाइफ में। ये तो थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो मेरे को लगा कि बिगेस्ट थिंग दैट इंस्पायर्ड मी आर दीज टू पॉइंट्स, जो मेरे लाइफ में मिरेकल्स हुए और जो मेरे मम्मी के दादाजी करते थे, वेदों पुराणों के ज्ञाता थे वो। तो ये दोनों पॉइंट्स ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, और फिर मेरे को इस्कॉन मैंगलुरु के कोर्सेज मिले, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं भक्ति शास्त्री कर रही थी तो मेरे को ये कोर्स मिला, नारिया धाम बेस लेवल 1, और इसमें अभी मैं सीख रही हूँ। अभी आई एम इन लेवल 1 एंड आई एम डूइंग डेली भगवद गीता क्विज ऑल्सो, एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि कृष्णा हैज हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हरी बोल, वेरी नाइस माता जी। माता जी ने कितना अच्छे से बताया कि भगवद गीता में सब कुछ मेंशनड है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और कैसे हम एंग्जायटी डिप्रेशन को डील कर सकते हैं। माता जी ने कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया, वेरी नाइस माता जी। माता जी आप आज, जैसे भी हमें पता है कि आज गीता जयंती है, तो माता जी आप कुछ बता सकते हैं कि आपका फेवरेट श्लोका कौन सा है माता जी, आउट ऑफ ऑल द 700 श्लोकास। साल में को लगता है कि एक श्लोका में मेरा फेवरेट श्लोका है, वो 18.66 श्लोका है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षे इष्यामि मा शुचः। सो इसमें भगवान बताते हैं कि लाइक सारे धर्मों को छोड़कर हमें कृष्णा कृष्णा को समर्पित हो जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संन्यास ग्रहण कर ले या वानप्रस्थ हो जाए, नहीं, सारे धर्म को छोड़ना इन सेंस होता है कि लाइक आप सब चीजों से डिटैच हो चुकी हैं, जैसे आपकी मटेरियल लाइक अटैचमेंट्स, लाइक मान लिया आपको कोई फ्रूट ज्यादा पसंद है, आपको कोई खाना ज्यादा पसंद है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज ज्यादा पसंद है, उससे आप डिटैच हो चुके हो। तो ऐसे आपको सब कुछ, आपको डिटैच होना, यू डोंट नीड टू लीव देम, यू नीड टू बी डिटैच, आपके पास वो है पर आपको उससे डिटैच रहना, आपको उससे अबव रहना है। तो ये वो सिखाता है, और उससे रिलेटेड एक एनेक्डोट भी है कि हमें सरेंडर क्यों होना चाहिए। सो उससे रिलेटेड एक एनेक्डोट है कि एक आदमी गया, ही वाज अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, सो ही वाज टेकिंग भगवत गीता एंड ही वेंट टू अ बार्बर शॉप। सो बार्बर कहता है कि ये भगवान में तुम बिलीव क्यों करते हो, तो भगवान में बिलीव करने की जरूरत ही क्या है, इतने सारे मिजरी है वर्ल्ड में, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, तो अगर भगवान होते ही तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती। तो मैं मानता हूँ भगवान इज नॉट एट ऑल देयर। सो वो आदमी ने सोचा, इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल की जगह हमें थोड़ा पर्सनल एंड रिलेटिव रिलेट कर पाए ऐसा एग्जांपल देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो बाहर गया, उसको एक आदमी दिखा कि उसका बहुत लंबे बाल थे, और वो आदमी था, आदमी के लंबे बाल नहीं होते हैं पर फिर भी उसके बहुत लंबे बाल थे क्योंकि ही वाज अ हिप्पी। सो ही टुक दैट मैन एंड केम इनसाइड द बार्बर शॉप, और उसने दिखाया कि बार्बर्स होते ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये देखो ये आदमी के बाल ही नहीं कटे। तो वो बार्बर ने क्या कहा कि बार्बर तो मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं झाड़ू लगाने वाला नहीं हूं, मैं बार्बर हूं, मैं काम करता हूं,
बस वो आदमी नहीं आया मेरे पास, वो अपने बाल कटवाने नहीं आया मेरे पास, इसलिए उसके बाल इतने लंबे हैं। और फिर वो आदमी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस था उसने एक्सप्लेन किया कि वैसे ही भगवान होते हैं, बस हमें उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि भगवान होते हैं, हमें उन्हें सरेंडर करना है, तभी हम जीवन की प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। सो दैट वॉज वॉट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस श्लोका एंड दिस इज माई फेवरेट श्लोका, दैट इज वाई। हरी बोल, वेरी नाइस माता जी। माता जी ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया श्लोका को कि हमें भगवान के ऊपर फेथ रखना है, हमें बिल्कुल भी डरना हिचकिचाना नहीं है फेथ लाते हुए, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। मा सुचा मतलब डरो मत, तुम्हें सिर्फ फेथ रखना है ना। तो वेरी नाइस माता जी। तो माता जी आपने मतलब What is the secret behind your success? Like you have achieved so many things, है ना? Bhakti Shastri course, Bharat Natyam you have learned, Tiruchirappalli you have also learned that, और Srimad Bhagavatam से भी आप श्लोकास और गीत वगैरह learn कर रहे हैं, तो आपका secret क्या है इसके पीछे, आप कैसे learn कर पा रहे हैं? सीक्रेट कोई नहीं है माता जी, भगवान की ग्रेस होती है स्पेशली, जो मैंने बताया था जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन की इंस्पायर क्या करता है मेरे को, और ये जो चीजें मेरे को इंस्पायर करती हैं वो मेरा एक सीक्रेट है, और भगवान की ग्रेस दूसरी सीक्रेट है। और जब हम क्या बोलते हैं भगवान की ग्रेस को देते तो भगवान हमें कुछ कुछ देते हैं, और हमें क्या करना होता है, उन्हें प्रैक्टिस करना होता है। अभी हम सपोज हम एक पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो पेंसिल हम ड्रॉइंग कर रहे हैं, जैसे आई लव टू ड्रॉ, सो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरी पेंसिल हो जाती है ब्लंट, सबकी होती है, पर हमें क्या करना है, हमें उस पेंसिल को शार्प करते रहना है, वैसे हमें अपने जो जो भी स्किल्स है उन्हें शार्प करते रहना है। शार्प कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे हम भगवद गीता के श्लोक हमने सीख लिए, फिर एक साल बाद जब हम जब कोई पूछेगा कि आप श्लोक सुनाइएगा तो हमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। सो प्रैक्टिस, माय इंस्पिरेशन एंड लॉर्ड कृष्णास ग्रेस आर द थ्री बेसिक सीक्रेट्स दैट हेल्प मी टू डेवलप ऑल दी स्किल्स एंड लाइक मूव फॉरवर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी। हरी बोल, माता जी ने कितना अच्छे से बताया कि हाँ सीक्रेट क्या है हमारी सक्सेस के पीछे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें स्किल्स को शार्पन करना है अपनी स्किल्स को, दूसरा है कि भगवान की ग्रेस मर्सी है ना। तो माता जी ने कितना अच्छे से समझाया कि वी हैव टू कुछ भी चीज करने के लिए सबसे पहले हम उसे प्रे करते हैं भगवान को कि हमें भगवान कैपेबल बनाए, एंड देन वी हैव टू पुट इन एफर्ट्स, हमें एफर्ट्स डालने हैं, परफेक्शन अपने आप आता रहेगा, भगवान की मर्सी होती है तो परफेक्शन अपने आप आ ही जाता है उस चीज में, शार्पन करना अपनी स्किल्स को। वेरी नाइस माता जी, वी ऑल आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू बिकॉज इन वेरी स्मॉल एज यू हैव अचीव सो मेनी थिंग्स माता जी। सो माता जी टेल अस, सो एज वी नो दैट टुडे इज गीता जयंती माता, तो वी हैव कैन वी हैव अ स्मॉल क्विज विद यू? श्योर श्योर माता जी, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके माता जी, तो माता जी लेट्स कैन यू प्लीज रिसाइट अ श्लोका नंबर लाइक 18.67। इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योभिसूयति। Very nice. Okay, let's recite 4.2. Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu sakaleneha mahata yogo nashtav parantapa. Okay, can you please complete this shloka? Paritranaya sadhunam. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. हरी बोल, वेरी नाइस माता जी। ओके, एम आई ऑडिबल? यस माता जी। ओके, कैन यू प्लीज रिसाइट, कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस श्लोका? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी वेरी नाइस, हरी बोल माता जी, रियली इंस्पायरिंग, रियली इंस्पायरिंग। माता जी कृष्णा, माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस माता जी, अभी आप हैं ऑडिबल। ओके ओके माता जी,
something about your parents. They must be very supporting and they must be motivating for you, like how they supported you and how they played a like role in your life. यस माता जी, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है. मेरे पेरेंट्स हमेशा, मैं सोचती हूँ कि मम्मी ये कोर्स में आप एनरोल करूँ क्या मैं, तो वो बोलते हाँ आप करिए, क्योंकि हमें अपनी स्क्रिप्चर्स के बारे में सीखना है और कुछ भी नया सीखने से आपको झिझकना नहीं है. तो मैं हमेशा कुछ कुछ सीखती हूँ और मम्मी बोलती है कि कुछ भी आप सीख रहे हो उसे आपको भगवान को समर्पित करना है. मान लीजिए आप ड्रॉइंग बना रहे हो तो आप ड्राइंग को कृष्ण जी की ड्राइंग बनाओ, राधा रानी की ड्राइंग बनाइए, आप श्री प्रभुपाद की ड्राइंग बनाइए, या आप सिंग करते हैं तो आप कृष्ण के भजन सिंग कीजिए, आप राधा रानी के भजन सिंग कीजिए, आप श्लोका रिसाइट कीजिए, आपकी जो भी लाइक स्किल्स हैं आपके अंदर जो भी आपको पता है उसे आप भगवान को समर्पित कीजिए. आपको कुछ भी आता है आप उसे भगवान को समर्पित कीजिए. तो मेरे को वही लगता है कि लाइक जो भी हम करते हैं उसे समर्पित करना चाहिए. यही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया और यही जो मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरा सीक्रेट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट है मेरी ये जो भी सक्सेस हुई है. तो मेरे पेरेंट्स ने इतना क्रूशियल रोल प्ले किया है माता जी. हरी बोल. इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं कि आज के जनरेशन को पेरेंट्स बहुत गाइड कर सकते हैं. अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताएंगे चर्च की, भगवत गीता की, और उन्हें मोटिवेट करेंगे टू रीड भगवत गीता, तो वी कैन हैव एग्जांपल्स लाइक यू माता जी, रियली इंस्पायरिंग माता जी. सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सेशन. वी विल थैंक यू माता जी फॉर जॉइनिंग अस. लेट्स थैंक मानसी शर्मा माता जी फॉर जॉइनिंग अस विद अ लाउड हरी बोल. थैंक यू सो मच माता जी फॉर इंस्पायरिंग अस. So we will move forward with our session. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam, all glories to Shri Prabhupada Mataji. Or Hare Krishna Mataji, you are really, really inspiring for all of us Mataji. Or maybe hum sab aapse seekh paaye, aage logo ko inspire kar paaye. Or we should pledge on this Gita Jayanti, that from this Gita Jayanti you will be learning 1 to 2 shlokas every day and reciting shlokas every day and motivating as well to do the same. Hare Krishna Mataji, thank you so much for joining us. Thank you so much Mataji for inviting me on this wonderful session Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji for your wonderful interaction and wonderful interview. हम आप लोग का आभारी कि आपने यहाँ पे आके हमें इंस्पायर किया. बट नाउ द टाइम हैज कम जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो कि है लेक्चर बाय नन अदर देन The Vice President of ISKCON Dwarka, His Grace Amogh Leela Prabhuji. जैसे भगवान के गुण अनंत है वैसे ही उनके भक्तों के गुण भी अनंत है. एंड प्रभु जी इज माय पर्सनल स्पिरिचुअल गाइड. एंड मेरे जैसे लाखों लोगों आज भक्ति में प्रभु जी की वजह से जुड़े हैं, प्रभु जी की वजह से भक्ति कर पा रहे हैं. प्रभु जी का नाम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. प्रभु जी अपने नाम के अर्थ के जैसे ही भगवान की इनफाइनाइट तरीके से प्रचार कर रहे हैं. प्रभु जी यूट्यूब सेंसेशन तो है ही और उनके मोर देन 2 million फॉलोअर्स हैं. एंड हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी इसके बावजूद इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर त्रिनादपि सुनिचेन. प्रभु जी इज द लीडिंग डायरेक्टर ऑफ डिजाइनिंग वेदिक कोर्सेज इन दिल्ली NCR एरिया. एंड इसके अलावा जो प्रभु जी के लेक्चर्स ऑल ओवर वर्ल्ड आप फेमस हैं, सब प्रभु जी के लेक्चर्स इंस्पायर्ड हैं. मैं इसके अलावा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी इज अ वेरी एक्सपर्ट एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ वेरियस फेमस ड्रामाज टीम्स लाइक वैकुंठा प्लेयर्स. एंड मटेरियली भी प्रभु जी ने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखे हैं. हम लोग के लिए इंस्पिरेशन का बार बहुत हाई है हर तरीके से प्रभु जी का. प्रभु जी बीटेक ग्रेजुएट हैं एंड उन्होंने बहुत सारे MNCs में प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह सर्व किया है. एंड उसके अलावा अभी करेंटली ही इज द गेस्ट फैकल्टी इन IIM अहमदाबाद फॉर द वेदिक कोर्सेज. एंड प्रभु जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है एंड स्टिल उन्होंने आज ही हमें टाइम दिया. एंड वी नीडेड प्रभु जी वेरी मच बिकॉज प्रभु जी ही इज द परफेक्ट पर्सन जो आज इस टॉपिक पे हमें गाइड करेंगे. बिकॉज ना केवल उन्होंने भगवत गीता को थॉरली पढ़ा है बट भगवत गीता को अपने लाइफ में जिया है. तो बिना विलंब किए हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच आ सके बीच में आना मेरे सौभाग्य की बात है. थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी काइंड. सो आज भगवत गीता की का प्राकट्य दिवस है. हालांकि जयंती लोग बोल देते हैं गीता जयंती बट एक्चुअली जयंती शुड बी यूज्ड ओनली फॉर कृष्णा एज पर शास्त्र नॉट इवन फॉर द इनकार्नेशंस.
तो इसीलिए जयंती इज एक्सक्लूसिवली फॉर कृष्णा, सो वी कैन से इट्स अ डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ भगवत गीता. सो मोक्षदा एकादशी वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, और साथ ही भगवदगीता का प्राकट्य भी है. सो डिवाइन अपीयरेंस ऑफ भगवदगीता, यानी कि आज के दिन ही भगवदगीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी. सो इसलिए भगवदगीता का भी गुणगान करना बनता ही है, और जितना किसी के बारे में गुणगान सुनते हैं ना उतना उसे प्यार बढ़ता है. जैसे कॉलेज में लड़कियों के बारे में ना लोग लड़के चर्चा करते रहते हैं, अरे क्या ही रे, अरे क्या आइटम आई रे, अरे ये ना रे, अरे वो ना रे, अरे कितना क्यूट लड़का है यार, अरे ये ना वो, तो अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि चर्चा कर रहे होते हैं ना उसके बारे में. इसीलिए तो जितना जिसके बारे में चर्चा करेंगे मन उसकी ओर खोलेगा. उसी प्रकार से हमें जितना ज्यादा गीता के बारे में सुनेंगे, बारे में उसी ग्लोरीज को पढ़ेंगे जानेंगे, उतना ज्यादा गीता भी पढ़ने का मन करेगा. सो इसीलिए आज गीता जयंती के उत्सव पे वी विल ट्राई टू ग्लोरीफाई श्रीमद् भगवद्गीता. सो I'll just offer some prayers and then we will begin. ठीक है जी. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं. वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पत रूपयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. शुभवाद की जाए. हरे कृष्ण. तो भगवद गीता तो 5000 साल पहले भगवान हरे कृष्ण को जो डिवाइन डिस्कोर्स दिया दैट इज श्रीमद् भगवद्गीता. यस हां जी बताइए जी. वेरी वेरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्रोजी, जस्ट एक स्मॉल अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं. कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखिए ताकि सेशन और इंटरेक्टिव बने, एंड प्रभु जी आपके क्वेश्चंस का जल्दी आंसर करेंगे. यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन द Q&A पार्ट और हम वहां से आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं. प्रभु जी को बाद में आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. एंड प्लीज इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाइए, अपने कैमरास को ऑन कीजिए एंड be very attentive while listening. Thank you so much. Okay, thank you. Aise camera on rehta na, so we are forced to be attentive. Nahi to yaar camera off hota hai to bagal mein aap gajak bhi kha sakte ho ki prabhu ji bol rahe hain, eh lana. So gajak bhi chal sakti hai, rabadi bhi chal sakti hai in parallel. So isliye agar aap video agar aap on rehte then you are forced to be more attentive. So that is it is good. Yeah. Par lekin ha agar aapke paas gajak ho और आप गजक खाना चाहते हैं वीडियो ऑन करके, इट्स फाइन. मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अरे देखो यार लेक्चर के समय गजक खा रही है, ये तो रबड़ी खा रही है, ये तो है बहुत गलत बात है. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. आप रेवड़ी खाइए, गजक खाइए, इवन वीडियो ऑन में भी खा सकते हैं. ठीक है जी. और मैं देखूंगा अगर आप हालांकि एकादशी है, हालांकि गजक तो नहीं खा सकते, लेकिन फिर कुछ एकादशी और कुछ अगर कुछ खा रहे हो तो सो आई विल आल्सो टेक इट लेटर. ठीक है जी. ओके हरे कृष्णा. सो भगवदगीता की जो ग्लोरी है दीज एक्चुअली मतलब इवन डिफरेंट शास्त्रों में भी इसी ग्लोरीज बार बार आती है. जैसे पद्म पुराण के अंदर देयर इज एंटायर सेक्शन, मतलब हर एक अध्याय के लिए देयर इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवदगीता. सो उसके अंदर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं गीता में हृदयम पार्थ गीता में सारम उत्तमम, कि गीता जो है मेरा हृदय है. भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इट इज माई हार्ट. अर्जुन हार्ट का मतलब होता है दैट मीन्स हिज इनर मोस्ट डिजायर, यानी भगवान के हृदय की जो बात है जो बताना चाह रहे हैं भगवान, वो भगवान ने गीता के अंदर बताई है. तो सोचिए भगवदगीता कितना कंडेंस नेक्टर होगा, कितना ज्यादा अमृतमय चीज होगी वो, कि जो खुद भगवान के हृदय से निकल के आ रही है. वाव. साथ ही गीता में सार उत्तमम. सो गीता जो है शास्त्रों का सार है, वो भी कैसा सार है, उत्तम सार है. ऐसा सारे शास्त्रों का, हालांकि आजकल हम सुनते हैं वो गीता सार सुनते हैं ना हम लोग, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. हालांकि एक्चुअली गीता सार नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल गीता सार, जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है ना, लोग लेकर के चिपका लेते अपने दरवाजों पे, ये गीता सार नहीं, ये गीता का सार एक्चुअली नहीं है. सो गीता ही सारे शास्त्रों का सार है. दैट मीन्स गीता इन इटसेल्फ इज एक्चुअली शॉर्टकट. शॉर्टकट के अंदर अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो इसलिए शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए. सो भगवदगीता ये जो 700 श्लोक है, दिस इन इटसेल्फ इज शॉर्टकट टू द वैदिक नॉलेज. तो इसीलिए
सार उत्तमम, गीता में ज्ञानम अत्युग्रम, दैट मीन्स ये जो गीता है ना अपने आप बड़ा कंप्लीट साइंस है, मतलब गीता के अंदर कुछ ऐसे विषय भी दिए गए हैं विच इज ओनली गिवन इन द भगवद गीता, ऐसा भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नो वे इन द शास्त्रास भगवान श्री कृष्ण ना डंके की चोटे बोल रहे हो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापी विमोक्षयामः, ऐसा डंके की चोटे भगवान ने कभी नहीं बोला कि इस प्रकार के धर्मों त्याग कर इकलौती मेरे शरण में आओ तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा डरो मत, ऐसा ना भगवान ने खुल्ला खुल्ला एकदम डंके की चोटे और कहीं नहीं बोला, भगवद गीता के अंदर बोला मन मना भव मत भक्तो, मन को मेरे में लगाओ मेरे भक्त बनो, ऐसा भगवान ने कभी खुल्लम खुल्ला कहीं नहीं बोला, लेकिन गीता के अंदर तो कुछ चीजें भगवद गीता के अंदर यूनिक है ऐसी। और साथ ही क्या है वैसे ना शास्त्र जो है दो प्रकार के, एक होते हैं श्रुति एक होते हैं स्मृति। श्रुति का मतलब होता है जो कि भगवान की वाणी है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टिक कोड्स, दैट इज नोन एज श्रुति, उसमें वेद भी आते हैं उपनिषद भी आते हैं लाइक दैट। इनको जब एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू सम एनेक्डोट स्टोरीज एग्जाम्पल्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ सम लाइफ लेसंस, सो दे आर नोन एज स्मृतिज, स्मृतियों में आते हैं, फिर पुराण आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर इतिहास आते हैं लाइक से महाभारत एंड रामायण लाइक दैट। सो महाभारत जो है इज अ स्मृति शास्त्र, लेकिन जो भगवान की खुद की वाणी होती है उसको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। तो क्योंकि भगवान ने खुद गीता बोली है तो इसलिए यह है श्रुति, लेकिन गीता क्योंकि पार्ट है महाभारत का विच इज स्मृति तो इसलिए स्मृति भी है। सो भगवद गीता इज श्रुति एज वेल एज स्मृति बोथ ऑफ देम टुगेदर विच इज वेरी यूनिक पोजिशन। बाकी अगर आप देखेंगे ना शास्त्र के अंदर ईदर इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ श्रुति और स्मृति, ईदर इट इज वर्ड्स ऑफ गॉड और एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज वर्ड्स, पर एक जो दोनों चीजें एक साथ हो जाए दैट इज यूनिकली प्रेजेंट इन द भगवद गीता। सो इसलिए हम देखते हैं कि ना भगवद गीता इज वेरी पॉपुलर, इट इज ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद, although there are other upanishads as well, shatashudra upanishad, kathopanishad, many other upanishads are there, lekin sabse adhik famous kaun sa upanishad hai, that is shrimad bhagavat gita. Even great philosophers ho ya fir scientist ho, scientist like albert einstein ne kaha when I read the bhagavat gita and I read the content of the gita, I could see that the philosophies presented by us, the theories about the cosmogonal existence, they appear to be so superfluous. तो जो भी संसार के अंदर है बड़ा मतलब हमने जो थ्योरीज निकालते हैं हम लोग लगता है अरे हम क्या निकाल रहे हैं, गीता को रेफर करें लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलेटिविटी ऑफ टाइम रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, ये किसने बताया हमको, अल्बर्ट आइंस्टीन है सर, इट इज ऑलरेडी गिवन, रिलेटिविटी ऑफ टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन भगवद गीता 8th चैप्टर, जहां यहां का टाइम इन स्पेस एंड ब्रह्मा जी का टाइम स्पेस देयर इज डिफरेंस, सो रिलेटिविटी इज ऑलरेडी गिवन इन श्रीमद् भगवद गीता। सो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा यू नो हम वी फॉर्मुलेट सो मेनी थ्योरीज पर एक्चुअली भगवदगीता की थ्योरी इज सो अमेजिंग सो कंप्लीट, रिलेटिविटी ऑफ टाइम हमने कितना कैलकुलेशन करके निकाला, भगवान कृष्ण ऐसे दे दिया श्लोक के अंदर, वाह ऑसम। सो इवन साइंटिस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन दे वुड रेवर श्रीमद् भगवदगीता। लाइक देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज चंद्रयान हम देखते हैं चांद पे हमारा गया, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, उनका नाम था विक्रम साराभाई, एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई वंस ही वाज सिटिंग इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वहां बैठ करके पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवदगीता। एक और साइंटिस्ट आया वहां पर और साइंटिस्ट ने कहा यार तुम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ कर यू आर रीडिंग भगवदगीता, सो यस एक्सक्यूज मी यू आर सिटिंग इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड यू आर रीडिंग भगवदगीता। सो विक्रम साराभाई वो स्माइल किए एंड देन ही कंटिन्यू टू रीड। तभी एक और साइंटिस्ट आया, उसने सलाम मारा विक्रम साराभाई को, तो नया साइंटिस्ट था उसने इस साइंटिस्ट से पूछा कि आप इनको सैल्यूट क्यों कर रहे हो, हु इज ही, अरे आपको नहीं पता He is the father of space program in India. He is Vikram Sarabhai. Oh, Vikram Sarabhai. Oh, I'm so sorry, sir. You know, I spoke those words to you. I'm very, very sorry. But sir, still I got this question. You are such a great scientist. You are sitting in Bhabha Atomic Research Center. And you are reading a religious book, Bhagavad Gita. And then Vikram Sarabhai said, Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. So, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, they have got so much of adoration for श्रीमद् भगवद गीता। और भगवद गीता itself अगर हम देखें ना, the content of the गीता is really amazing। Like गीता महात्म्य के अंदर आता है, the words of व्यासदेव are like the river, and this river came one lotus, and this lotus is महाभारत, and the fragrance of this lotus, the fragrance is श्रीमद् भगवद गीता। Wow! और इसमें जो भवरे हैं, जो कि
इस कमल के ऊपर मंडरा रहे हैं. दे आर हैविंग गुड टाइम. दे आर रिलिशिंग द नेक्टर ऑफ दिस लोटस. दीज आर दोज ग्रेटली इंटेलिजेंट एंड रियलाइज सोल्स जो कि बार बार रिलिश करते हैं इसके नेक्टर को बार 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 बार. दैट इज श्रीमद भगवद गीता. तो इसलिए वर्ड्स ऑफ द व्यासदेव आर द रिवर द लोटस. दैट मीन्स द एसेंस ऑफ दैट इज महाभारत एंड द एसेंस ऑफ दैट द फ्रेग्रेंस इज भगवद गीता. और भवरे कौन? वो भक्त जो कि इसमें बार बार रमते हैं, बार बार पढ़ते हैं इसको, बार बार रमते हैं. अरे पिछली बार पढ़ा था ये तो नोट ही नहीं किया. अरे ये तो पिछली बार किसी, अरे तो नोट ही नहीं किया, अरे तो वो नहीं, अरे ये क्या, ये भी लिखा इसके अंदर. सो मेनी टाइम्स व्हेन वी रीड भगवद गीता, सो देयर कम्स न्यू एंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यूअर रियलाइजेशंस. तो ऐसा होता है किसमें, किसी वजह से ये भगवद गीता की पढ़ने की वजह से होता है. सो गीता इज रियली इंटेंस, गीता इज वेरी डीप. And that's why you see so many purports are written onto it. So many commentaries are written onto it. So, Bhagavad Gita is that actually. In fact, aaj IIM Ahmedabad ke andar, there is one course which is there in IIM Ahmedabad. Leadership and Management from Bhagavad Gita. Aur iske andar 20 sessions hai. It's an elective course in the final year, final semester ke andar. Lekin uske liye first come, first serve basis pe jo apply karega, that person will get it. To is course ke andar 55 seats hai. 55 seats, लेकिन अप्लाई करने वाले कितने होते हैं? 150-200. पर तो ज्यादा बोला था सर हो गया है, तो 55 सीटों का ही है ये कोर्स. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अप्लाई करना होता है इसमें, एंड देन यू गेट टू एनरोल इन दिस कोर्स. तो इसीलिए इवन कोर्सेज ऑन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर कमिंग फ्रॉम द भगवद गीता. सो किसी को स्पिरिचुअली रियलाइज बनना हो, या डे टू डे लाइफ सीखनी हो, या मैनेजमेंट सीखना हो, एवरीथिंग इज देयर इन श्रीमद भगवद गीता. There are so many training programs which are happening based on Srimad Bhagavad Gita. So even hamara ab NSUT, which is nearby, which is one of the top 10 colleges, engineering colleges in India, ab to university ho chuka hai. There we have got this elective course for the students, engineering students, that they can read Bhagavad Gita. Usme lifestyle coaching and all that is there based on Bhagavad Gita. So even academic circles mein hum dekhte hain that there is so much respect for Bhagavad Gita. Wow. So Bhagavan ke dwara ye jo gaya gaya geet hai is so deep. So esoteric, so divine, so much condensed in its nectar. कि इसके ऊपर कितना भी हम शोध करें, कितना इसको explain करें, कोई अंत ही नहीं है. So there are many great acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Baldev Vidya Bhushan, Srila Bhakti Vinod Thakur, Adi Shankaracharya, Madhva Acharya, Ramanuja Acharya, इन सब ने commentaries लिखी हैं श्रीमद भगवद गीता के ऊपर. तो सोचिए अगर एक book के ऊपर इतने सारे अगर super duper intelligentsia, if they are writing commentary from different angles, तो वो जो original content होगा वो क्या ही होगा. Wow. And one more thing is that because there are so many commentaries written on Bhagavad Gita, so that's why उसकी जो original integrity है is maintained. Why? Because जब भी commentary लिखी जाएगी ना, original श्लोक तो लिखा जाएगा. तो इसीलिए कोई बोले ये श्लोक, ये जो शास्त्र है उसका interpolation हो गया, उसमें कोई change आ गया, उसमें editing हो गई, उसमें श्लोक हट गए, उसमें श्लोक कट गए. लेकिन एक जहां श्लोक नहीं कटे, नहीं बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं 700 के 700 श्लोक, एंड दैट इज भगवद गीता. इसलिए हम देखते हैं 700 श्लोक जो है वो 700 श्लोक ही है एज इट इज, बिकॉज व्हेन एवर कॉमेंट्री इज बीइंग रिटन द ओरिजिनल कॉन्टेंट इज मेंटेन्ड, द ओरिजिनल वर्सेस आर मेंटेन्ड. सो दैट इज ऑल्सो वी सी दैट भगवद गीता इज एज इट इज. अफकोर्स किसी को डाउट हो सकता है, यू नो भगवद गीता भगवान ने 5000 साल पहले बोली थी, आज इतना समय बीत चुका है, हो सकता है बीच में कुछ किसी ने कुछ प्लस माइनस कर दिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, इसका सबूत क्या है भला? इसका सबूत ये है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि ना आपका कमरा पावर हाउस से कनेक्टेड है, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है जी हमारे कमरे की रोशनी जल रही है, लाइट जल रही है, दैट मीन्स पावर हाउस से कनेक्टेड है. यस. उसी तरह से इवन आज भी जब लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, दे फील एनलिवेंड, दे फील जॉयफुल, दे फील द ग्रेस ऑफ गॉड, दे फील मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल लाइफ से अटैचमेंट. इवन टुडे दे फील इट. दैट मींस करंट आज भी फ्लो हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण से जो वाणी निकली थी उसका करंट आज भी है. और दूसरा कारण ये है दैट द कमेंट्रीज आर देयर ऑन द भगवद गीता, सो दैट्स व्हाई द ओरिजिनल वर्सेस आर ऑलवेज मेंटेन्ड. सो दैट्स सो वंडरफुल. और हम देखते हैं भगवद गीता इट टचेस सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ. लाइक फॉर एग्जांपल, इन केस समबडी वांट्स टू लर्न अबाउट से हाउ टू यूज, हाउ
कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स आर गिवन इन द भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स नंबर 15. यस, जावर बता रहा है अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत. यानी कि अगर किसी को अपनी वाणी के वेग को संभालना है तो क्या करना चाहिए? अनुद्वेगम, यानी कि आप जो कुछ भी बोलें इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग. क्योंकि अभी ना हमारे शब्द ऐसे हो जाते हैं, सामने वाला एजिटेट हो जाता है, उसके बाद जो स्यापा था वो और बड़ा स्यापा बन जाता है. तो इसलिए हम जो कुछ भी बोलें उसको क्या बोलें? अनुद्वेगम. यानी कि ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को एजिटेट ना करे. या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए. लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी? अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम. चल ठीक है, आपने नॉन एजिटेटिंग बात बोली, पर वो सच है कि नहीं है या झूठ मूठ बोल दिया तुमने आपने कुछ? सत्यम. अच्छा सत्य, लेकिन सत्य ना बड़ा कड़वा होता है साहब, तो फिर अब क्या करें? प्रियम, दैट मीन सत्य बोलना चाहिए बट इट शुड बी स्वीट. अच्छा सत्य, आपने प्रिय भी बोल दिया, इट्स स्वीट ऑल्सो. अच्छा हितम, पर अच्छा स्वीट भी है सत्य भी है नॉन एजिटेटिंग, पर काम का है कि नहीं है? मतलब उससे सामने वाले का भला होगा या उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो तो मत तो बोलो उसको. सो इसीलिए सत्यम प्रियम हितम चयत. अच्छा इसमें कुछ सोचता था, माई गॉड यार इतना मतलब सोच करके बोलना पड़ेगा क्या? अनुद्वेगम सत्यम प्रियम हितम. अरे यार हम तो आराम से बोल लिया करते थे कुछ भी. अब सो देन कम्स द फिफ्थ क्वालिटी एज वेल, उसका स्वाध्याय अभ्यासनम. सो अगर आप स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं, दैट मींस यू रिसाइट द स्क्रिप्चर्स. अगर आप रिसाइट करेंगे ना इवन, तो आपकी जो वोकैबुलरी है, आपको जो एक्सप्रेशन है, द आर्टिकुलेशन, इट वुड बी मेड लाइक दिस की दैट अपने आप ही आपके जो सेंटेंस, आपको वाणी जो है वो सत्यम प्रियम हितम चाहिए अनुद्वेगम अपने आप ही हो जाएगी. सो दीज फाइव क्वालिटीज प्रैक्टिकल. अब देखो इसी में से किसी एक में जब गड़बड़ी करते हैं ना, तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या किसी ने हमसे वैसा बोला जब दिल दुख जाता है, अरे यार ऐसा कैसे बोल दिया यार, ऐसा कैसे बोल दिया यार. सो इसीलिए ये पांच क्वालिटीज का ध्यान रखना, दैट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच. ये वाणी के लिए ये तपस्या है. यस अच्छा अब अगला अगर श्लोक देखें उसके अंदर आता है, ओके व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ माइंड टू बी पैसिफाइड. मन को अगर आपको शांत करना है तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए उसके अंदर बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मना प्रसाद सौम्यत्वम. ठीक है, मन कैसा होना चाहिए? मन मना प्रसाद सौम्यत्वम. सौम्यता का मतलब होता है मना प्रसाद मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड. प्रसाद मतलब मन शुड संतुष्ट होना चाहिए. मन की बीमारी क्या है? मन कभी संतुष्ट नहीं होता. सो पहली जो तपस्या है जो हमें मन को करानी है वो है मन को संतोष सिखाना. प्रैक्टिकल गाइडेंस है कि मन को संतोष सिखाना, उसको एजुकेट करके, उसके साथ सेल्फ टॉक करके, उसको उसको किसी के अंडर सुपरविजन में डाल करके. मना प्रसाद सौम्यत्वम विदाउट बीइंग डुप्लिसिट टू अदर्स. यानी कि हमें मन के अंदर क्या डुप्लिसिटी है, बाहर से कुछ और अंदर कुछ और. बाहर दिखाया गया मैं तो बहुत अच्छा अच्छा हूं, अंदर से उसके अंदर डुप्लिसिटी है, कपट है, छल है. तो इसीलिए सौम्यत्वम, तो मन को सिखाना चाहिए अरे भाई तू सौम्य हो जा मेरे भाई. यस मौनम दैट इज ग्रेविटी. मन के अंदर ग्रेविटी आती, गंभीरता आती है. कैसे? मौनम ग्रेविटी. सो अक्सर आप देखिए जो लोग बहुत चपड़ 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 करते हैं, मतलब इन मटेरियलिस्टिक वे, नॉट स्पिरिचुअल टॉक्स बट मटेरियलिस्टिक वे, चपड़ 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 चपड़, उनकी ग्रेविटी गोज डाउन, मतलब उनकी गंभीरता जो होती है वो कम हो जाती है. तो इसलिए बहुत जरूरी है टू ट्रेन द माइंड इन ग्रेविटी. ग्रेविटी मौनम. मौनम का मतलब एक तो होता है चुप रहना, यानी संसारिक बातें जो है थोड़ी कम करनी चाहिए. जितना टू द पॉइंट रेलेवेंट किसी का कुछ काम का हो उतनी बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा चपड़ चपड़ करना आ रहे. सो मौनम दैट्स वन मोर क्वालिटी. देन आत्मविनिग्रह. आत्मविनिग्रह का मतलब होता है कंट्रोलिंग द सेल्फ. कंट्रोलिंग द सेल्फ, तो सेल्फ अगर आप कंट्रोल करते हैं, यानी सेल्फ अपनी इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल करते हैं, दैट वुड ऑल्सो लीड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड. सो यहां बताया गया है भाव संशुद्धिर इत्यत तपो मानसम उच्यते. यस, तो इस प्रकार से मन जो है वो शुद्ध होता है. अच्छा अब उसका अगर नेक्स्ट श्लोक में अगर आए उसमें आता है क्या, बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स व्हिच मेंशंस श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरे अफलकांक्षीर अभ्युक्तैर सात्विकम परिचक्षते. विच मीन्स द थ्री फोल्ड ऑस्टेरिटी. ठीक है, अब ये जो आती है
with transcendental faith by men, not expecting material benefit, but engaged only for the sake of supreme, is called austerity in goodness. तो अगर आपको तपस्या भी करनी है तो कैसी करनी चाहिए? सात्विक रूप से करनी चाहिए. तो उसके लिए हाँ वो डिफाइन किया गया. Even for leadership, there is chapter 3, verse number 21. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त्वते वितरो जनः सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन वर्तते. That means as great men act, so common men follow. Not what great men speak, but great men act. So one practical guidance in terms of leadership, we see कि leader जैसी हरकतें करेगा, वैसी हरकतें उसके followers करेंगे. Practical guidance है ये वास्तव में. So श्रीमद् भगवद गीता जो है ऐसी चीजों को cover करती है, austerity of the mind, the speech, leadership, even ऐसी चीजें जो है बड़ी खूबसूरती के साथ cover की गई. Of course they require more explanation. So अगर कोई व्यक्ति हो जो कि who actually understands the essence of it, he can actually explain it. But yes, भगवद गीता के अंदर हमारे डे टू डे लाइफ के इश्यूज भी दिए गए. Like for example, खाना कैसे चाहिए. So that is given in chapter 17, verse number 8. अगर जाए उसके अंदर तो बताया गया किस प्रकार का खाना सात्विक खाना होता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है जी. सो दिस वर्स एक्सप्लेन्स आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस रसिया स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया. सो इसका ट्रांसलेशन है फूड डियर टू दोज वर इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस गिव स्ट्रेंथ हेल्थ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. Such fruits are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. तो कैसा खाना खाएं जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे. तो सत्वगुणी खाना खाना चाहिए. सत्वगुणी खाने में क्या आता है? क्या आता है? That which is juicy, fatty, fatty मतलब घी वाला. घी is so good for body actually. तो ये जो है ना ये इंडस्ट्री आजकल चल रही है कि भाई ऑयल बढ़ाओ, यू नो हम रिफाइंड ऑयल खाएंगे. तो घी घी अगर हम घी खाएंगे ना मतलब इवन चार वाक जैसे लोग बोलते हैं बैग बोरो स्टील बट मस्ट ईट घी समवेयर इट्स का मतलब ये है भाई कुछ भी हो घी खाओ बिकॉज घी इज सो गुड फॉर बॉडी. सो सात्विक चीजें खानी से उसमें आता है फैटी चीजें भी आती हैं. ठीक है मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए बट यस लिटिल बिट ऑफ फैट इज इवन गुड फॉर योर नीज ग्रीसिंग बढ़ती है इससे. होलसम दैट मींस शुड बी फुल ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऐसा होना चाहिए व्हिच इज प्लीजिंग टू द हार्ट. जो यहाँ जलाए वो नहीं खाना चाहिए दैट विल प्लीजिंग टू द हार्ट. आपने खाया उसका ऐसा खाना जो होता है जो कि बहुत ज्यादा कड़वा होता है बहुत ज्यादा खट्टा होता है बहुत ज्यादा नमकीन होता है एकदम करारेदार मसालेदार ऐसा वाला जो खाना होता है वो रजोगुणी होता है जैसे गोलगप्पे. भैया थोड़ा सॉल्ट देना भैया सॉल्ट एक और देना भाई गोलगप्पा. कीटियां बज जाए भले कानों से धुआं निकल जाए आंख से नाक से पानी पानी निकल जाए इस तरह का खाना खाएंगे अल्टीमेटली दैट लीड्स टू मिजरी एक्चुअली. इसलिए बहुत ज्यादा चटकारेदार मसालेदार खाना अवॉइड करना चाहिए हमें एज मच एज पॉसिबल. सो रजोगुणी खाना कैसा होता है भगवान कृष्ण बता रहे हैं. यस अच्छा तमोगुणी खाना कैसा होता है फूड प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 3 आवर्स बिफोर बींग ईटन. जो खाने तीन घंटा पहले ही बनाया हुआ है फ्रिज में रखा बाहर निकाला माइक्रोवेव में डाला गर्म किया थोड़ा बच गया फ्रिज में डाला बाहर निकाला अंदर अरे भाई फ्रेश बनाओ फ्रेश खाओ. Yes. Actually, पहले गृहस्थ आश्रम में लोग जब रहा करते थे ना दिस वॉज द स्टैंडर्ड कि आप बनाए खाना उसके बाद बाहर बालकनी में जाके अनाउंस करें कोई भूखा है कोई भूखा है कोई भूखा है 3 बार बोलने का है. अगर कोई नहीं आया तो खाने का है. दैट इज गृहस्थ आश्रम. एक्चुअली गृहस्थ आश्रम ये नहीं अकेले खाते रहा कचर 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 का थोड़ा भाई बच गया फ्रिज में डाल दो उसको फिर से बाहर निकालो माइक्रो में डालो गर्म खा लो फिर बच गया फ्रिज में डाल दो. दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ गृहस्थ लाइफ. तो इसलिए आप जो भिखारी वो भी बाहर वेट करता है कभी कुछ आएगा काका जी तुम्हारे को कुछ नहीं आएगा क्योंकि जब से ये दोनों आए ना माइक्रोवेव और फ्रिज बस अब तो भिखारी को बचा हुआ खाना भी नहीं मिलने वाला. नो वेज. तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं फूड दैट प्रिपेयर फॉर मोर देन 3 आवर्स
तो बासा होता है. फूड दैट इज टेस्टलेस डीकम्पोज पटरिड एंड फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमिनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स जैसे मीट एटसेट्रा इज डियर टू दोज हु आर मोर इन द मोड ऑफ डार्कनेस. तो जैसे मीट होता है, मीट एक्चुअली टेस्टलेस होता है. एक्चुअली जो लोग मीट भी खाते हैं ना, वो टेस्ट असल में ग्रेवी का टेस्ट है. अदरवाइज ग्रेवी निकाल दो, कहते हैं लोग खा लो मीट खा लो, तो मीट बड़ा पसंद है, कहते हैं अरे कौन खाएगा यार, इसमें थोड़ा मसाला लगाओ ना, इसमें ग्रेवी का है इसकी, इसमें नींबू निचोड़ा ना, इसमें इसको मक्खन लगाओ ना, ये बटर चिकन खाएंगे ना हम, क्यों मीट तो आपको पसंद, तो बिना इसके खा लो ना. सो एक्चुअली मीट इज टेस्टलेस, इट इज मीट इज टेस्टलेस. सो फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमिनेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल से जैसे ना ये जैसे मशरूम्स हो गए, मशरूम इज एक्चुअली लाइक फंगस, मशरूम इज एक्चुअली फंगस. सो मशरूम्स शुड नॉट बी ईटन एक्चुअली. लोग खा लेते हैं कि ना आज हम शाही मशरूम, अरे क्या बात है, इन माई रूम लॉट ऑफ मशरूम, बट एक्चुअली इट इज फंगस. तो ऐसी चीजें, तो फंगस जैसी चीजें ये भी हमें नहीं खानी चाहिए. सो सच थिंग्स आर इन मोड ऑफ डार्कनेस. कैन यू सी लॉर्ड कृष्णा इज स्पीकिंग ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, सच प्रैक्टिकल थिंग्स इवन ऑफ ईटिंग. मतलब भगवान खाने पीने की बात भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से भगवान गीता हमको बोल रहे हैं. अर्जुन को अगर बताना होता, कहते हैं तेरे को मेरे दोस्ती की कसम अर्जुन, यू आर माय फ्रेंड मैन, ढूंढे इन लोगों को. अर्जुन बोलता ठीक है दोस्त, ये तेरी मेरी यार, ये दोस्ती हमारी, चल अभी दिखाता हूं इन लोगों को. और फिर अर्जुन गुड फाइट. ये इतना कॉन्वर्सेशन भला करने की आवश्यकता क्या, 700 श्लोक, अरे ऐसा जस्ट टू इनसाइट समबडी फॉर वॉर, ना जी ना. तो ये सिर्फ लड़ने लड़ाने की बात नहीं कि अर्जुन को बोला यार ढूंढने लोगों का ऐसा क्या, फिर एक ही श्लोक होना चाहिए था. श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम मित्र अस्ति अतः त्वम कौरवानाम, बैंड बजाओ अस्ति, कि अर्जुन तुम्हारा दोस्त है ना यार, ढूंढने लोगों को. और फिर अगला श्लोक बस दूसरा, अर्जुन बोलते थे हाँ बिल्कुल मानता हूं, अब तुम दोस्ती का वास्ता दे देना अर्जुन, अब कृष्णा अब देखो. तो बस एक या दो श्लोक होने चाहिए गीता में. सो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से. सो दैट मीन्स अर्जुन इज जस्ट अ रेसिपिएंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो वास्तव में निमित्त मात्र है, उससे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है. यस, जैसे आप देखो कभी कभी ना सास जो होती है बहू को बोलती है, अब बहू को डायरेक्टली बोले कि अब बहू आई है, उसको ना चटकारे दाल मसालेदार खाना बड़ा पसंद है उसको, तो लेकिन इस घर में बनता है बड़ा सादा खाना. तो फिर सासू माँ क्या करती है, सासू माँ क्या करती है, वो बोलती है अपनी बेटी को, क्या हो गया, कहाँ है ध्यान, है इतना मसालेदार तुमने खाना बनाया है, है? अब सुना रही बेटी को, लेकिन बेटी के थ्रू सुना किसको रही है, बहू को. यस, उस तरह से भगवान कृष्ण हले गीता बोल रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन के माध्यम से किसको सुना रहे हैं, हमको, हम है बहु रानिया. यस, सो इसलिए अर्जुन इज ऑलरेडी अ डिवोटी, अर्जुन को बोला गीता सुना के क्या करेंगे. सो लॉर्ड कृष्णा इज रिसाइड इज स्पीकिंग भगवद गीता टू अर्जुना, बट एक्चुअली थ्रू हिम टू अस, हम लोग हैं. इसलिए जब भी आप गीता पढ़ें तो ये ना सोचें अर्जुन को क्या भा क्या भा, क्या बोले भगवान, वाह जी वाह, अर्जुन ने क्या सवाल पूछा ना, अर्जुन का सवाल है, अर्जुन का जवाब, हाँ नहीं, अर्जुन के जो सवाल है वो हमारे सवाल है, और जो भगवान जवाब दे रहे हैं वो हमको जवाब दे रहे हैं. ये सोच करके हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए एक्चुअली. ये तो हमें लगेगा कि दो दोस्त है आपस में लगे हुए हैं, ये जीजा जी साला जी, क्यों, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसे विवाह हुआ था अर्जुन का, तो अर्जुन हो गए जीजा जी, कृष्ण भगवान हो गए साले साहब, तो साले साहब ने जवाब दिए, जीजा साहब ने सवाल पूछे, बस ऐसा क्या, नहीं, इट इज नॉट सम जीजा साला कॉन्वर्सेशन और दोस्ती यारी कॉन्वर्सेशन, इट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम मास्टर, द सुप्रीम इंजॉयर कृष्णा, ही इज स्पीकिंग भगवदगीता टू अर्जुन एंड थ्रू अर्जुन टू अस. ये सोच करके हमको श्रीमद भगवदगीता पढ़नी चाहिए. तो इसीलिए ईच एंड एवरी वर्स, ईच एंड एवरी वर्ड भगवान हमको एड्रेस कर रहे हैं एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस मच ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ग्राउंड लेवल नॉलेज, एंड दैट वेरी सेक्युलर नॉलेज. Even a Muslim or a Christian can also read Bhagavad Gita. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहीं नहीं बोला, हे अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए तुमको गीता सुना रहा हूं, ऐसा क्या, there is no such श्लोक, अर्जुन त्वहम हिंदू अस्ति अतहम भगवद गीता त्वम कथति, ऐसा क्या, ऐसा कहीं कहीं नहीं आता थी, नो वेयर.
सो इट्स द मोस्ट सेक्युलर नॉलेज. तो सोचिए सिर्फ इट इज ओनली फॉर हिंदूज, नो इट इज फॉर एवरीवन. इनफैक्ट हमने एक गीता सार कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उसके अंदर कई स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें करीब 1,25,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. सो उसमें उस कॉम्पिटिशन को जीता था एक मुस्लिम लड़की ने. सो शी वॉज रैंक वन. तो उसको हमने बुलाया अपने मंदिर में, उसको रैंक वन बोली, उसको ट्रॉफी दी, उसको गिफ्ट दिए उसको. सो हमने कहा बेटा यू वॉन्ट टू से समथिंग, यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज. कहते यस प्रभु जी. फिर वो स्टेज पर आई, उसने कहा कि हम मुसलमान हैं और हम सबके पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, पर मैं कहता हूँ हिंदू लोगों के पास उनकी पर्सनल कॉपी भगवद्गीता की नहीं होती, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली. सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, प्लीज हैव योर ओन पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद्गीता एंड रीड इट. आई रेड इट. मैंने शुरू शुरू में उसको पढ़ना शुरू किया था एज ए मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ. मैंने पढ़ते पढ़ते देखा इसका कॉन्टेंट कितना रिच है, इट्स सच अ हाई क्लास नॉलेज. सो इसलिए फिर मैं शुरू में पढ़ रही थी कॉम्पिटिशन के लिए, बट लेटर ऑन आई स्टार्टेड स्टडिंग एज इफ आई एम रीडिंग अ मास्टरपीस, अ स्पिरिचुअल मास्टरपीस, दीज आर वर्ड्स ऑफ गॉड. फिर मैंने इसको इस तरह से पढ़ना शुरू किया एंड देन आई मस्ट से इट वॉज अनपैरेलल एक्सपीरियंस. ऐसा मुझे कभी अनुभव हुआ ही नहीं कुछ पढ़ते हुए जो मुझे इस भगवद्गीता को पढ़ते हुए हुआ. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू काइंडली रेगुलरली रीड भगवद्गीता. These are the words of a Muslim girl, you know. तो इसीलिए अगर हमको भी चाहिए जीवन में, अगर हमें आगे बढ़ना है, then we should regularly read भगवद गीता. आप देखिए हमारी लाइफ में कोई भी गैजेट्स अगर होते हैं ना, हम गैजेट्स को चलाते हैं बाई रीडिंग द मैनुअल. मोबाइल फोन है जैसे, ठीक है जी, इसको कैसे चलाएंगे, मैनुअल, इसको कभी हम पानी में नहीं डालेंगे, इसको कभी सोटे से नहीं धोएंगे, क्यों, मैनुअल में लिखा है ऐसा नहीं करना है इसको. या फिर हमारी गाड़ी हो, गाड़ी को हम सर्विसिंग कराते हैं आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर के बाद, 10,000 किलोमीटर के बाद वी गो फॉर सर्विसिंग. अच्छा तो कहाँ लिखा है ऐसा, कहते जी वो इसके मैनुअल में लिखा हुआ है, आफ्टर सो मेनी थाउजेंड किलोमीटर यू शुड गो फॉर सर्विसिंग. अच्छा तो हम देखिए हम मशीन को चला रहे हैं मैनुअल के हिसाब से और जिंदगी को चला रहे हैं बिना किसी मैनुअल के, ये तो गड़बड़ मामला है. तो इसलिए हम देखते हैं हमारे गैजेट्स बहुत बड़े चल रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी तैसी हो रखी है, बिकॉज लाइफ इज रनिंग विदाउट एनी मैनुअल. So in a way, it is injustice to life itself. तो इसलिए मैनुअल ऑफ लाइफ है इसको पढ़ना चाहिए. अच्छा मैनुअल कब पढ़ना चाहिए, गैजेट को यूज करने से पहले या गैजेट का बेड़ा गर्क मारने के बाद? Obviously, गैजेट को यूज करने से पहले. तो इसीलिए हमें भी लाइफ की शुरुआत में पढ़ना चाहिए भगवद्गीता को, ये नहीं अब बुढ़ापे में फिर मोतियाबिंद वाली आंखों से वैसे इसको हम देखेंगे, वाह भगवद्गीता भगवद्गीता की जय, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंखों में मोतियाबिंद और फिर हम पढ़ेंगे भगवद्गीता, वाह जी वाह शाबाश, कहां से लाते इतनी बुद्धि मेरे काकेलाल. और दुनिया में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, दे आर रीडिंग भगवद्गीता इन द फैग एंड ऑफ देयर लाइव्स. दे शुड स्टडी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ बिकॉज दिस इज द मैनुअल ऑफ लाइफ. तो ये करना चाहिए. तो इसीलिए समवेयर वी सी दैट दिस स्पिरिट इज लैकिंग. इनफैक्ट सुषमा स्वराज in the year 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एट दैट टाइम शी डिक्लेयर्ड भगवद्गीता टू बी बुक ऑफ नेशन. तो होल्ला मची, ऑपोजिशन ने कहा दिया ना ये तो गलत है दिस दैट. तो उन्होंने कहा ठीक है वोटिंग करा लेते हैं जनमानस में, अगर 65% वोट आ जाएंगे देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज बुक ऑफ नेशन. हो गया जी. नाउ सर्वे वाज देयर, अनफॉर्चुनेटली भगवद्गीता गॉट 55%. मतलब कि लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लोगों को पता नहीं था हो गया, ऐसा कुछ हुआ भी था, ऐसा कोई सर्वे हुआ, पर अदरवाइज इफ पीपल वुड हैव वोटेड फॉर इट, सो 2014 में इट वुड हैव बिकम द बुक ऑफ नेशन. यानी कि स्कूलों में, कॉलेजेस में एज अ करिकुलम ये पढ़ाई जाती ऑफिशियली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ऐसा हो रहा होता. सो इसे बहुत ज्यादा पढ़नी भी चाहिए, साथ ही इसको बांटना भी चाहिए. आज देखिए आज इस्कॉन के डिवोटी सड़कों पर जाते हैं, धुआं खाते हैं, लोगों की आलोचनाएं सहते हैं, बट स्टिल दे डिस्ट्रीब्यूट भगवद्गीता on the streets and all across the globe. Up until now, ISKCON devotees have distributed 55 crore Bhagavad Gitas. Yes, 55 crore Bhagavad Gitas hain ab tak baati ja chuki hain ISKCON ke devotees ke dwara. So isliye in every 7 second one Gita is being distributed. So that means it is spreading like wildfire. People are reading Bhagavad Gita and they are really acknowledging it. All across the globe, ISKCON ke dwara 89 languages mein Bhagavad Gita baati ja chuki hai. 89 languages. And crores of Bhagavad Gita. तो इसीलिए हमको पढ़ना भी चाहिए इसको और इसको बांटना भी चाहिए.
पर सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है, एंड वंस वी आर कन्विंस्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ द भगवद गीता देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एज वेल. सो वंस यू व्हेन यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा लाइक दैट. तो इसीलिए भगवद गीता को अपने जीवन में लेकर के आइए और औरों को भी पढ़ाइए, औरों को दीजिए. नया साल आ रहा है, नए साल में मिठाई का डब्बा दें, नहीं उस आदमी गीता भी दें. मिठाई का डब्बे की कितनी उम्र कितनी होती है, एक रात, दैट्स इट, खाओ अगले दिन सुबह निकल गया आपके कमोड के अंदर, फ्लश हो गया सारा मिठाई विठाई. लेकिन भगवद गीता जो है, इट विल बी रिमेन फॉर योर लाइफ. इवन डायरी कैन लास्ट फॉर ओनली वन ईयर. जैसे जनवरी 2025 आएगा, योर डायरी इज रद्दी, दैट्स इट. जैसे डायरी और अगर मिठाई भी देते हैं तो साथ में दे भगवद गीता, बिकॉज भगवद गीता इज अ गिफ्ट फॉर लाइफ, जीवन भर का उपहार है. ठीक है जी. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस गीता जयंती एंड मोक्षदायक एकादशी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर द सेशन. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, वी कैन मे बी टेक यू क्वेश्चन फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वी विल वाइंड अप. हरे कृष्ण, श्रीमद भगवद गीता की जय. प्रभु जी धन्य प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर. एंड प्रभु जी कुछ क्वेश्चन हमारे Q&A सेशन में, Q&A सेक्शन में, सो मैं पूछ लेता हूँ आपसे. पहला, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि गीता पढ़ने के नियम प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमें नहा के पढ़ने चाहिए या हम कुछ खा के पढ़ते तो हमारे मुंह से थूक वगैरह निकलता है, उसको श्लोक उच्चारण करते हो, तो क्या ऐसा तरीका है, परफेक्ट वे क्या है गीता को? देखो फिलहाल तो पढ़ना शुरू करें, जितने नियम लगाते ना उतने पढ़ाई से दूर हो जाते हैं. पहले उसको वेल बैठ के कपड़े में रखेंगे, फिर कोने में रखना, ऐसा नहीं है. यू कैन रीड भगवद गीता एनीवेयर. बेस्ट वे वैसे नहा दो करके सुबह, व्हेन यू आर फ्रेश देन यू रीड, दैट इज बेस्ट. But even when you are in your cab, in your bus, and you are carrying Bhagavad Gita, you can read it. कोई समस्या नहीं है. Even you can read it on your phone. अब तो मतलब इसके Kindle version भी हैं, PDFs भी हैं, so you can read it. पर पढ़ें तो सही. Yes. And I must say, Bhagavad Gita as it is by His Divine Grace Srila Prabhupada is really most authentic version of Bhagavad Gita. मैंने इस गीता से पहले 8 different version पढ़े थे Bhagavad Gita के. Nothing was as heart churning as this version of Bhagavad Gita, which is given by Srila Prabhupada. लग रहा है कि मतलब भगवान को ना प्यार करने वाला व्यक्ति गीता को दे रहा है. नॉट जस्ट काइंड ऑफ संस्कृत स्कॉलर, ही इज अ संस्कृत स्कॉलर, बट एट द कोर इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. सो ओनली अ लवर ऑफ गॉड कैन एक्सप्लेन द वर्ड्स ऑफ गॉड. सो भगवद गीता एज इट इज ये पढ़ना चाहिए. ठीक है जी, पढ़ें, डिस्कस करें इसको, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि प्रभु जी हमने जैसे लेक्चर्स में सुना है कि दो कृष्ण के बारे में, एक विष्णु अवतारी और एक स्वयं भगवान कृष्ण. बट क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था कि श्रीमद् भागवतम में एक ही कृष्ण का वर्णन है, तो इसे कैसे समझ सकते हैं? अशिना भागवतम जो है ना उसपे बहुत सुंदर कमेंट्रीज हैं बाय द आचार्यस. सो आचार्यस एक्सप्लेन दैट यस हाउ कृष्णा इज वन बट ही एक्सपैंड्स एज वासुदेव कृष्ण. सो वन कैन रेफर टू द कमेंट्रीज बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी. सो दे ऑल ऑफ देम हैव, दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस. ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी. और एक क्वेश्चन हम लेंगे क्योंकि अभी जैसे बुक मैराथन का टाइम चल रहा है, तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले सकते हैं. कि प्रभु जी जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और लोग भगवान को ही कहते हैं कि जैसे आपके भगवान तो छलिया है, सो इस केस में फिर हमें किस तरह से आंसर करना चाहिए? कहना एक्चुअली ऐसा व्यक्ति जो कि कहना छलिया क्यों है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा, बताओ, फिर चुप हो जाएगा, सोशल में लग जाएगा कि भाई छलिया भाई वो ना उन्होंने ना वो कर्ण को बोला था कि वो इसको इसको मार दो अर्जुन ही ना, उसका पहिया फंस गया है, इसको इसको ना मार दो आप. पर आप ये देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सूरज को डुबो भी सकता है, निकाल भी सकता है. हम सब जानते हैं जयद्रथ के समय में क्या हुआ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सूर्य से पहले उसको मार दूंगा, राइट, ये बोला था. बस अब सब ने जो है रेल लगा दी कि भाई अर्जुन को पहुंचने नहीं देंगे, सूर्य सो जाएगा, अर्जुन बोले जल्द जल्द सुसाइड कर ले भाई, तू अब तूने बोला था ना मैं नहीं मारूंगा तो आग में प्रवेश कर जाऊंगा. भगवान कृष्ण सूर्य डुबो भी दिया, सूर्य निकाल भी दिया. सो द वन जो सूर्य डुबो भी दे निकाल भी दे, कैसे व्यक्ति को मतलब छलिया मतलब वाले खेल करने की आवश्यकता है क्या? वो जो विश्व रूप दिखा है कि एवरीथिंग रेस्ट ऑन मी, ब्रह्मा विष्णु महेश दे रेस्ट ऑन कृष्णा, भगवान ने दिखाया है विराट रूप के अंदर, विश्व रूप के अंदर, ऐसे व्यक्ति को छलिया होने की आवश्यकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं लीला में करते हैं, उनको छल के नहीं आवश्यकता. छल कौन खेलता है? कमजोर लोग, पावर नहीं रहता, कुछ छल खेल लो यार, कुछ काम हो जाएगा अपना, और क्या. नहीं तो दैट पर्सन हु इज शोइंग विश्व रूप इन भगवद गीता, ऐसे व्यक्ति क्या छल करेगा क्या? वो लीला करते हैं बस, दैट्स इट. जैसे कर्ण को मारना, भगवान ने कहा कर्ण इज गिविंग ऑल दिस लेसन ऑफ मोरालिटी कि देखो मेरा पहिया फंस गया है, मेरे को तीर मत मारो.
उन्होंने बोला तू लेसन ऑफ मोरालिटी किससे सीख रहा है, जिसने खुद ने बोला था अपने द्रौपदी को कि अरे तू पांच पतियों की पत्नी तो है ही है, छठा मेरा दुर्योधन मेरा मेरा दोस्त है, आ जा उसकी जांग पे बैठ जा। ये वो व्यक्ति है जिसने खुद ने घेराबंदी करके अनएथिकली मारा किसको, अभिमन्यु को। ऐसे व्यक्ति मोरालिटी सिखाएगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। इससे भगवान ने कहा डोंट वेस्ट टाइम किल। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि यहाँ काफी लोग का ये सवाल है कि हम जो इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं और जो बाकी आचार्यों की भगवत गीता है, तो इसमें हमें भगवत गीता इस्कॉन वाली क्यों प्रेफर करनी चाहिए, क्या डिफरेंस है सभी गीता? देखिए एक तो क्या है, सारे आचार्य की कॉमेंट्रीज कंपाइल्ड है इसके अंदर, दैट मींस यू आर रीडिंग वेरियस डिफरेंट कॉमेंट्रीज इन वन पर पॉट, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। साथ ही इट इज एक्सप्लेन कॉन्टेक्चुअली, भगवदगीता का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो भक्ति है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो फॉर यूट्यूब हमारा वीडियो है भगवदगीता का वास्तविक अर्थ भक्ति या संघर्ष, उसमें मैंने ना सारे श्लोक देखा हाउ द एसेंस ऑफ द गीता इज भक्ति। और आपको डिफरेंट स्पीकर्स में ना देखो भक्ति छुपा रहे होते हैं वो लोग, प्रभुपाद ने भक्ति को हाईलाइट किया है भगवदगीता का जो मेन सब्जेक्ट है। तो वी शुड रीड दिस भगवदगीता, और साथ ही इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, साथ ही वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं इसके अंदर, और साथ ही इट इज वेरी कंटेम्प्रेरी एज वेल, वेरी कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशन, यानी मॉडर्न जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की गई। तो वी शुड रीड इट, आई एम अहमदाबाद में इट इज यूज्ड एज टेक्स्ट बुक इज भगवदगीता एज इट इज। हमारे नरेंद्र मोदी जी इसी भगवदगीता एज इट इज को देते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको ये भगवदगीता देते हैं। सो वी शुड गो फॉर इट। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा काफी चर्चा में रहता है प्रभु जी वाला क्वेश्चन, एंड काफी टाइम से इसका लोगों के पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे भगवत गीता में श्लोका किसी श्लोक में और परपट में कहीं पे मेंशन है ये चीज कि वुमेन को शास्त्र थोड़ा लेस इंटेलिजेंट बताते हैं, तो इस चीज को किस तरह से समझे कि इसका एक्चुअल क्रक्स क्या है इस बात का? ओके एक्चुअली क्या है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 31 है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, दैट मींस स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो, जो कि अक्सर हमने देखा है कि लोग तपस्या नहीं करते बट भक्ति तो इवन ये भी कर सकते हैं। सो वहां पर भगवान ऐसे नहीं उनको लो क्लास बता रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं हाउ भक्ति इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल वहां पर, दैट इज अ पॉइंट। सो चैप्टर 9 वर्स नंबर 32 है मेरे ख्याल से, जस्ट अ मिनट। सो मामी पार्थ विभा शुद्धा ये पी सो पाप योनिया स्त्री हो वैश्य सदा शूद्रस तेपी यान्ति परम गतिम। So, अगर कोई व्यक्ति भक्ति मतलब अब स्त्रियां यूजली जो है हम देखते हैं तपस्या साधना नहीं करती, वेरी फ्यू वी हैव हर्ड अबाउट लेडीज डूइंग तपस्या, बट डूइंग भक्ति, भक्ति इज इवन डन बाय लेडीज एंड दे हैव बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट, एंड वी नो अंडाल, वी नो सक्कूबाई, वी हैव सो द्रौपदी कुंती, यू नो भक्ति की एंड दे बिकम परफेक्ट। तो यहाँ स्त्रियों को हीन नहीं बताया जा रहा, स्त्री को बताया जा रहा है दैट दे कैन बिकम परफेक्ट बाय भक्ति। सो इट्स अबाउट यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति, not really demeaning woman. Okay, thank you so much Prabhu ji. So aaj ye question ka answer bhi acche se clear ho chuka hai sabhi ke samne. And Prabhu ji ek question ye lenge ki jab hum Hare Krishna mahamantra ka jap karte hain, so usme hum Krishna word bolte hain jabki Krishna hai, to ye jo log spelling mistake karte the isko hum kaise samjhe? Are aisi hota kya, dekho aapka na bhagwan hai bhav grahi janardana, aapke bhav mein agar if you are calling Krishna, सो कृष्णा वेलकम, ऐसे ने वहां बोले कृष्णा मतलब ये द्रौपदी हो गई, द्रौपदी तुम जाओ, ये तुमको बोला, इसने बोला कृष्णा, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपका नाम जैसे हो गया श्रद्धांशु, ठीक है, और आपको प्यार से माँ ने पुकारा मेरे मेरे श्रद्धु, ओ मेरे श्रद्धु, तो आप नहीं आओगे क्या? अरे हाँ माँ बोल माँ, या किसी और को भेजोगे माँ, तो भाई तू जा भाई, मेरे को नहीं पुकारे, मेरा नाम तो श्रद्धांशु है, ऐसा क्या नहीं, इवन को दूसरे नाम से भी पुकार लेंगे ना अगर माँ पता होता है माँ मेरे को पुकार रही है। तो इसीलिए व्हेन वी से कृष्णा, जैसे गाते हुए बोलते हैं हरे कृष्णा आ, तो मतलब क्या द्रौपदी आ जाएंगे अब? अरे भाई थोड़ा तो बेसिक आईक्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। सो व्हेन वी आर कॉलिंग आउट कृष्णा, सो कृष्णा कम्स, व्हेन कृष्णा, अगर आप द्रौपदी को पुकारोगे सोचते हुए द्रौपदी के बारे में तो द्रौपदी आएगी, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड देन यू आर कॉलिंग आउट कृष्णा, सो इवन दो इट इज कृष्णा स्टिल कृष्णा विल कम। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी।
एंड प्रो जी, इफ वी हैव टाइम कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन? हाँ हाँ श्योर 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 सो प्रो जी, ये क्वेश्चन रहेगा कि ये क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेशन से रिलेवेंट है, बट लोग पूछना चाह रहे हैं, जैसे हम प्रसाद जो लोग घर से दूर रहते, जैसे आप भी बाहर जब कंट्री में थे तो आपने वहां कैसे प्रसाद मैनेज किया था, और काफी वर्किंग लोग हैं जो बाहर वर्क करते हैं और वहां पे मिलना मुश्किल हो जाता है प्रसाद, ओके कैसे अरेंज कर रहे हैं? सो हाउ आई यूज्ड टू मैनेज, एक तो ना आई हैड अ केटल, मैं केटल भी ले गया था और मैं एक आधे किलो का कुकर भी ले गया था, आधे सॉरी एक किलो का कुकर ले गया था हॉकिंस का। सो मैं उसमें खिचड़ी बनाया करता था एक्चुअली, वहां पर ना देयर इज वेरी गुड ब्राउन राइस, यूएसए के अंदर ब्राउन राइस बड़ा अच्छा मिलता है, सो आई टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड ब्राउन राइस एंड उसके बाद फिर मैं अच्छी बड़ी होता है टेस्टी वाली, टेस्टी तो मैं नहीं बोलूंगा बट हाँ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी बनाया करता था मैं। सो वो जाया करता था, समटाइम्स आई वुड गो टू इंडियन स्टोर्स, वहां पर ना उपमा रेडी मिक्स मिल जाता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता, सो आई वुड ब्रिंग दैट, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली एंड देन आई वुड मेक नाइस उपमा फॉर माई सेल्फ, ये तरीका हो गया। समटाइम्स आई वुड मेक फ्रेंच फ्राइज फॉर माई सेल्फ, फ्रेंच फ्राइज बनाने में आसान होते हैं। फिर ऐसा एक महीने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया था वहां पर, विच वॉज वेंकटेश्वर बालाजी का था, साउथ इंडियन श्री वैष्णव का एक रेस्टोरेंट था एंड दे वुड ऑफर वट एवर दे डू साउथ इंडियन फूड टू लॉर्ड बालाजी। तो फिर मेरे को मैंने कहा वाह ये बहुत बढ़िया इंतजाम हो गया, फिर मैं वहां से अक्सर चीजें लेके आया करता था, बट समटाइम्स आई डू पर्सनल कुकिंग एज वेल। साथ ही विदेशों में ना चपाती मिलती है, रेडीमेड चपाती होती है, मैदे की होती है हालांकि वो, सो समटाइम्स आई वुड ब्रिंग दोस चपातीज एज वेल, उसको थोड़ा गर्म किया, उसको फुलाया और उसमें थोड़ा घी लगाया, घी में जो है वो मैंने अमेजोन से मंगा लिया था, सो लाइक दैट एंड देन इन दिस वे आई पास माय टाइम कंफर्टेबली। लेटर ऑन व्हेन आई केम इन टच विद द डिवोटीज, तो वहां से एक और सहारा हो गया। इस तरह से अगर आप डिटरमिंड हैं सो यू कैन मैनेज योर ईटिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ओके थैंक यू सो मच प्रोजी, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ये अचानक से एक स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट लाइफ में भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को कैसे इनकल्केट कर सकते हैं प्रोजी, एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज भगवत गीता से स्टूडेंट लाइफ? ओके देखो जो स्टूडेंट लाइफ की ना बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक है व्हिच इज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत्यचेत नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, यानी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर आपकी भोगों में यानी कि मजा करने में ऐश्वर्य में कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अगर आप उसे अटैच हैं ऐसे लाइफ स्टाइल से, सो ऐसे में क्या होगा समाधो न विधीयते, दैट मीन्स आपका फोकस कभी नहीं आने वाला। तो इसलिए फोकस के लिए बहुत जरूरी है इसको फॉलो करना। आई थिंक दिस इज भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 44 चैप्टर 2 देखिए लेट मी जस्ट चेक या चैप्टर 2 वर्स नंबर 44 यस तो 44 यही है, सो इसको पढ़ सकते हैं आप चैप्टर 2 वर्स नंबर 44। दिस इज रियली इंस्पिरेशनल कि एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में हम लोग मरते कब हैं, ऐसा होता है। साथ ही हमें ये समझना चाहिए लॉर्ड कृष्ण आल्सो सेज आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, अगर आपके वश में नहीं है तो इसलिए मन में मन को वश में करें, ठीक है जी। और अगर आप और साथ ही अभ्यास हिंतु कौन थे वैराग्य चक्रिय थे, दैट मींस बाय फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स यू कैन कॉन्कर योर माइंड। शास्त्री चैप्टर 3 के अंदर लस्ट के बारे में चर्चा आती है, स्टूडेंट्स गेट इनटू यू नो फ्लर्टिंग विद ईच अदर, लड़का लड़की लड़की लड़का वगैरह, इन केस यू गेट इनटू लस्ट then also you can't really focus in your life. So lust se kaise bachna hai, to chapter 3 verse number 36 se lekar ke 43 tak bhagwan krishna uske andar bata rahe what is the nature of lust and how to really conquer it. So that is it is important for the students. Okay sir, thank you so much pro ji. Hamare chat mein वैसे तो काफी क्वेश्चन स्पैम हो रहे हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी ने काफी लेक्चर्स ऐसे बना रखे हैं, आप प्रभु जी को मैं आपको टाइम दूंगा, आप और एक्सप्लोर कीजिए प्रभु जी का कॉन्टेंट ताकि आपके जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से हटके गीता से हटके वो आप जान सके। एंड एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है प्रोजी इफ यू अलाउ, प्रोजी पूछ रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हम जाते हैं और लोग भगवान के बारे में सुनना पसंद नहीं करते, बिल्कुल वो नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर वो सुन नहीं पाते हैं या वो उस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं देते उस व्यक्ति को, कैसे प्रीचिंग इस समय हम कर सकते ताकि बुक हम डिस्ट्रीब्यूट करें? देखिए आपको भगवान के बारे में बताना ही नहीं है कुछ, आपको जाके आपको यू हैव टू मीट पीपल इन अ वेरी स्मार्ट वे, इन अ वेरी कनेक्टिंग वे। Yes, it sounds like when I do book distribution. So sometimes I would say, sir, here's a book on meditation, happy living and a happy soul, to make you a happy soul. That's it. Or sometimes I would say, excuse me, sir, are you smart or are you intelligent? You say, well, I think I'm smart. Say, well, for all smart people, you have got Bhagavad Gita.
इन केस यू वुड से वेल आई एम वेरी इंटेलिजेंट सर फॉर ऑल इंटेलिजेंट पीपल वी आर हैविंग भगवद गीता सो इस तरह की चीजें पूछनी चाहिए यू नो समटाइम जस्ट गेट इनटू कन्वर्सेशन पर हम बोले कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हियर इज अ मैसेज ऑफ सुप्रीम गॉड फॉर यू अरे भाई किनारे करो सर हियर इज अ बुक फॉर हैप्पी लिविंग और मुस्कुरा के मिले यू नो उदास उदास नर्वस होके ना मिले अपने पूरे उत्साह के साथ मिले और यह तब कर पाओगे जब आपने मॉर्निंग में अच्छी साधना की है अच्छी भक्ति की है ध्यान से जप किया है थोड़ा कुछ आधा घंटा गीता ही पढ़ी भी है देन व्हेन यू गो ऑन रोड दैट विल मेक एन इम्पैक्ट पर आपने खुद ने पढ़ी नहीं आप खुद कमजोर कमजोर हो तो वहां जाकर आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी वंदा आपकी बेइज्जती कर देगा फिर आप अरे फिर आप उदास हो जाओगे तो इसे खुद भी पढ़ना चाहिए फिर हम एंथुजियास्टिकली इसको बांट पाएंगे एंड नॉट एवरीवन इज रेडी फॉर गीता सो इसलिए अगर कोई नहीं भी लेता कोई तो निराश ना हो यू नो यू हैव पुट अ सीड ऑफ श्रद्धा इन हिम धीरे धीरे करके फले ही फूलेगी वो श्रद्धा तो एक दिन वो गीता ले भी देगा वो पर एटलीस्ट यू मेट हिम नाइसली उसने नहीं नहीं कहा कोई बात ऐसा मत लीजिए नो प्रॉब्लम हमारा मंदिर है पास में इस्कॉन टेम्पल यू कैन कम टू इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण ऐसे करके उसको विदा करें खुशी खुशी उसको प्रसाद दे सकते हैं समटाइम्स इवन डिवोटीज कैरी स्मॉल पाउचेज ऑफ होता है ना ये मिश्री और सौंफ है कोई बात नहीं सर आप मत लीजिए भगवती था हेर इस प्रसाद और राधा पार्थ सारथी प्लीज हरे कृष्ण ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर एंड क्यू एन ए सेशन एंड हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना प्रभु जी ने इंटरएक्टिव इस सेशन को रखा एंड हमें इतना गाइड किया एंड फॉर सच अ वंडरफुल क्यू एन ए सेशन के लिए धन्यवाद करेंगे भाई लाउडली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग हरे कृष्णा स्टे ब्लेस्ड हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी आप आगे भी हमें ऐसे अपना टाइम दीजिएगा ताकि हम और आपसे सीख सकें थैंक यू सो मच प्रभु जी हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की जय हरे कृष्णा शुभप्रभात की जय भगवदीता की जय सो अब इतना वंडरफुल सेशन के बाद अब आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स जैसा कि आज आपने सेशन अटेंड किया ऑन हाउ टू एक्चुअली इनकल्केट भगवद गीता इन योर लाइफ तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे इस गीता जयंती सेलिब्रेशन के प्रोग्राम्स का कल है थर्ड सेशन जो होगा हिज ग्रेस अजन्मा कृष्णा प्रभु जी के द्वारा जो हमारे बेस जो कि एजुकेशनल विंग है इस्कॉन दिल्ली का उसके डायरेक्टर हैं एंड प्रभु जी कल जो टॉपिक लेंगे दैट विल बी ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता सो आज जैसे एक क्वेश्चन था स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड राइट सो वैसा ही और क्वेश्चंस कि कैसे आप भगवद गीता को अपने लाइफ में ला सकते हैं भगवद गीता से रिलेटेड आपके और डाउट्स वो हम कल के सेशन में सारे कवर करेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि काइंडली जो आपके चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म है उसको आप फटाफट फिल करें इफ आपने फिल कर दिया सो वेरी नाइस और जिन लोगों ने नहीं किया है आप प्लीज उसे फटाफट फिल करें ताकि हम उसको कनेक्टेड रह सके एंड जितने क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए सो जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो कल हमें ले लेंगे एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस है जो और भी क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है लाइफ टू लाइफ डेली लाइफ के लिए वो हमारे रेगुलर सेशंस जो लेवल क्लासेस होती है हमारे बेस के जो सेशंस होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस वो सारे क्वेश्चंस वहां पे हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स कवर करते हैं सो आप काइंडली रजिस्टर कीजिए आप गूगल फॉर्म भरिए ताकि हम आपसे कनेक्टेड रह सके एंड अगर आप हमें उस चीज में गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो आपको आपके क्वेश्चंस को हम हमारे लेवल क्लासेस में हमारे नॉर्मल सेशंस पे कवर करेंगे और आप हमारे साथ और कनेक्टेड रह सकते हैं आगे के सेशंस के लिए भी सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एंड निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू सो मच श्रील प्रभुपाद की जय